दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में मुझसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि असम बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी तो लास्ट डेट था उसका फॉर्म भरने का। तो दोस्तों, जितने भी लोग फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हैं, यानी जो लोग सही से अपना फॉर्म भरे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनका एक्सपीरियंस लेटर भी सही है, तो वह अपना वेट कर रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, उनका नाम नेट पे कब से होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सब क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी बातों को समझिएगा और जानिएगा। तो दोस्तों, जितने भी लोग बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास असम बोर्ड से फॉर्म भरे हैं, उन लोगों का एडमिट कार्ड जनवरी के सेकंड वीक में आना चालू हो जाएगा। आप लोग सही सुन रहे हैं, जनवरी के सेकंड वीक में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और उसी एडमिट कार्ड पर आपका सेंटर कहां पर है, यानी आपको कहां पर एग्ज़ाम देने जाना है और आपका एग्ज़ाम कितने तारीख से है, उसी एडमिट कार्ड पे सारा नोटिफिकेशन लिखा रहेगा। तो दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड 9 जनवरी के सेकंड वीक में निकाल दिया जाएगा, नेट पर शो होना चालू हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर जो आप ऑनलाइन करवाते समय रजिस्टर मोबाइल नंबर आप दिए थे उस पर एक मैसेज भी आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको वहां पर पेपर देने जाना है, यानी जो इंटरव्यू होता है आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो दोस्तों, अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग पूरा तैयारी कर लें और आपका एडमिट कार्ड जल्द ही नेट पे निकाल दिया जाएगा और आप लोग उसको डाउनलोड करके अपना एग्ज़ाम देने जा पाएंगे। तो दोस्तों, यही था पूरा न्यूज। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।